मामा, मिला फोन? नहीं मामा, मुझे बहुत डर लग रहा है। लोगों ने लैंडलाइन की लाइन भी डिस्कनेक्ट कर दी है, किसी को फोन नहीं हो रहा है और लॉक है सब। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। लाइन भी तार तो नहीं काटते होता है, क्या चाहते हैं? घर पे कोई नहीं सर, प्लीज घर पे कोई नहीं है सर। जिनसे मिलना है वो घर पर ही। सर घर पे नहीं है, प्लीज सर छोड़ दो। भाई घर वाले गए हैं, मुझे समझ नहीं आती। जिनसे मुझे मिलना है वो घर पर। ओ भाई इजाजत नहीं है, दानिश से फोन पे बात करवा दो। तुम्हें बात समझ नहीं आती, मैं सख्ती से मना किया, तुम फिर आ गए यहाँ पे। इस घर का बेटा हूँ मैं, ना मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत है और ना ही तुम्हारे दानिश की। एक मिनट, तुम इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर ठीक है, मैं चाची से मिलने के लिए आया हूं। तुम नहीं मिल सकते ना उनसे, वो नहीं मिलना चाहती है तुमसे, या तुम में से किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती हूं। ये बात मैं चाची के मुंह से सुनना चाहती हूं। एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? नहीं मिलना चाहती हूं तुमसे, जाओ यहां से। देखो दानिश, जो तुम इस घर के साथ कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं है तो तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। जिस शख्स की एक शर्ट खरीदने की औकात नहीं थी, आज उसने अपना जन्म छुपाने के लिए गार्ड्स रखे हुए। जुर्म की बात कर रहे हो? आऊंगा, मुझे चची और रानिया से मिलना। रानिया मेरी बीवी है, अपने मुंह से ना उस आइंदा नाम मत लेना। नफरत करती है वो तुम, और तुम्हारे पूरे खानदान से। वो निकाह वाले दिन जो तुम्हारे माँ बाप ने उसके साथ सुलूक किया था, वो भूली नहीं है, कुछ भी नहीं भूली है। मंगनी वाला दिन याद है? हैं? कितनी खुशियां मना रहे थे तुम लोग। अरे इस घर में उसके बाप की मैयत पड़ी हुई थी, उस वक्त ख्याल नहीं आया कोई? सबके बकवास बंद कर। I swear to God, जो कुछ तुम इस घर के साथ कर रहे हो, जो साजिश कर रहे हो, उसे मैं बहुत जल्द बेनकाब करूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। ये बात मेरा भी वादा है तुमसे। जिससे तुम मिलने के लिए तड़प रहे हो ना, वो बीवी है मेरी। आइंदा इस घर में घुसने की कोशिश भी की ना, तो उसका गला दबा दूंगा मैं, लिहाज नहीं करूंगा। और उस दिन मेरे पास रीजन भी होगा। यहां से जाते हुए या फिर धक्के मार के निकाल।
बाबा फोन रखिए प्लीज, प्लीज फोन रखिए। ओके आई विल कॉल यू लेटर। बाबा मेरे साथ चलिए। क्या हुआ? दानिश ने रानिया को कैद करके रखा, मुझसे मिलने भी नहीं दे रहा हूँ। उसकी बीवी है, तुम किसी की बीवी को क्यों मिलना चाह रहे हो बेटा? मेरी ये समझ में नहीं आ रही इस बात। ये क्या पागलपन है हमजा, मुझे हॉस्पिटल में क्यों छोड़ा है तुम? अभी बाबा को बात समझ में नहीं आ रही, उसने रानिया को कैद करके रखा है दानिश ने। रानिया रानिया रानिया, कब तक नाम लेते रहोगे उसका? दूर क्यों नहीं हो जाते उससे? जो कुछ बचा है ना वो भी बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होने से तो रोक रहा हूँ उसे मैं। दानिश इसकी शर्ट खरीदने की औकात नहीं थी, आज चार चार कार रखे है उसने और हमें रोकेगा वो? आप चलिए मेरे साथ। अरे आए दाया, ये रानिया कब जान छोड़ेगी हमारी? जल्दी से गेट बंद करो उसका, गेट जल्दी से बंद करो। अरे यार जल्दी कर दे यार, ये एम्बुलेंस क्यों आई थी? ये क्या है, ये क्या हुआ? मुझे नहीं पता, आप दानिश को फोन कर ले। आप मैंने क्या मुसीबत है, कहीं तो जान। जी हेलो, जी जी नहीं आ रहा। हाँ बेटा क्या हुआ? बस वो अंकल की डेथ के बाद आप तो जानते हैं कितनी डिप्रेशन में थी, डिस्टर्ब थी। वो काम वाम करते हुए पाँव स्लिप हो गया, गिर गई। कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं उसको लेके हॉस्पिटल जा रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं, बीवी है मेरी, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा उसको। हाँ अंकल, वो एक जरूरी बात करनी है आपसे, या आप हमजा से आप जरा बात कर लें कि मेरी फैमिली से दूर रहा करें। अच्छा नहीं लगता है, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी फैमिली में कोई भी दखल अंदाजी हो किसी। जी बाकी रानिया के बारे में आप फिक्र मत करें, हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, मैं संभाल लूंगा। कोई भी बात होती है, कुछ होता है, कोई आपकी जरूरत पड़ती है, मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा, अपडेट करता हूँ। थैंक यू। खबरदार जो मेरा नाम लिया, डॉक्टर पूछे तो कह देना कि सीढ़ियों से गिर गई थी। ना तुम तो जानती हो ना मेरे पागलपन को, पढ़ता पहले हूँ सोचता बाद में हूँ। आंटी भी घर में ही है, सुकून से सो रही है, ऐसा ना हो कि उनकी आंखें ना खुले। अब भला जिनका गला घोट दिया जाता है कहाँ आँख खुलती है? घर में सब मौजूद है, गार्ड भी मौजूद है, अम्मा भी मौजूद है, ये काम करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ मैं तो पता ही है वो तुम्हारी माँ से कितनी नफरत करती है। ध्यान रखना, डॉक्टर को संभाल लेना। समझ तो गई होगी ना तुम, है ना? अम्मा हाँ, अरे वो तो मैं देख लूंगा, ये बताओ कि आंटी ठीक है ना? बस उनका ख्याल रखना। अगर दोबारा फोन करूं तो तुम जानती हो ना क्या करना है। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा।